हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्प्राउटेड चना चाट, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक वाले चने, जिसको मैंने एक रात भिगो कर रख दिया था और दूसरे दिन इसको मैंने निकाल कर किसी कपड़े से बांध कर रख दिया था, ताकि ये देखो ये अच्छे से स्प्राउट हो सके। और नेक्स्ट डे ये स्प्राउट हो चुके थे और आज मैंने इसको बॉयल किया है पानी में नमक वगैरह डालकर। तो आज हम इसकी चना चाट बनाएंगे, ये बहुत ही हेल्दी होती है। सबसे पहले लेंगे हम खाली बर्तन, इसमें ये सारे चने डाल दूंगी मैं। उसके बाद लेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन, बाद लेंगे बॉयल पोटैटो, फाइनली चॉप्ड टमाटो, फाइनली चॉप्ड कुकुम्बर, ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इन सभी को मिक्स कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं स्प्राउटेड चने। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, सबसे पहले डालेंगे हम नमक। नमक बॉईल करते हुए मैंने ऑलरेडी डाला था, तो इसीलिए नमक अब ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर, रेड चिली बिल्कुल हल्की सी डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रीन चिली इसमें डाल रखी है। चाट मसाला पाउडर, इन सभी को करेंगे मिक्स। अगर आप लोगों के पास कोरिएंडर लीव हो तो वो भी डाल सकते हो इसमें, मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं था तो मैं बिना ही इसके बना रही हूँ। इन सभी को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो नींबू हैं जिसका मैंने जूस निकाल लिया है, लेमन वाटर, इसको हम लोग मिक्स करेंगे इसमें। हमारी स्प्राउटेड चना चाट बनकर रेडी है, अब हम इसको किसी बाउल में ट्रांसफर करके इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए लग रही है ना कितनी टेम्प्टिंग, ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्दी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।